हम अपनी ज़िंदगी में कोई भी अमल करें ना, हमें एक चीज़ सोचनी चाहिए कि इस अमल का जो इम्पैक्ट होगा वो सिर्फ हमारी लाइफ में नहीं होगा, बल्कि हम एक पैटर्न सेट करने लगें। ये जो हमारा काम होगा ये एग्जाम्पल बनेगा हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, या जो अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करें कि जो ये काम एक ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स कर रहे हैं, जो भी सीनियर मेंबर कर रहे हैं, वो फिर एक कल्चर बन जाता है वहाँ का और वो नीचे सब लोग वही करते हैं। जैसे मैं ख़ुद एक ऑर्गेनाइजेशन से मुंसलिक था तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे ऐसे काम देखे जो हमारे जॉब टास्क का पार्ट नहीं थे और इतने नॉन प्रोडक्टिव काम थे वो। इवन बीइंग अ टीचर हमें वो काम करने पड़ते हैं, वो नॉन प्रोडक्टिव हैं लेकिन आपको करने पड़ते हैं। एग्जाम्पल, अच्छा अब आप इनकार नहीं कर सकते। मैंने खुद बहुत दफ़ा सोचा कि यार आई गो टू मैनेजमेंट एंड आई विल से कि यार मैं एक टीचर हूँ, ये गार्ड वाला काम तो मेरा नहीं है यहाँ पे खड़े होकर काम करना ये वाला। तो उन्होंने मुझे कहा नहीं ये तुम नहीं कर सकते यार, वो देखो ना वो भी तो करते हैं बड़े बड़े प्रोफेसर के नाम लेके, यार ये वाला प्रोफेसर देखो वो भी तो गेट पे खड़ा होता है और वो ये कर रहे हैं, वो भी तो ये वाली ड्यूटी कर रहे हैं। हमारा बीइंग टीचर तो मेरा ख्याल है ये काम होना चाहिए था कि हम रिसर्च ज़्यादा करें, एक टीचिंग साइड के ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हूँ, हमारा तो ये काम होना चाहिए था लेकिन वो नॉन प्रोडक्टिव काम कर रहे थे। कहने का मकसद ये है कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं यार हमें ये काम नहीं करना चाहिए था, तो उसकी एग्जाम्पल में सिचुएशन हमें बताई जा रही थी कि यार ये बड़े बड़े नाम ये काम करते हैं। अच्छा वो काम करते हैं तो हो सकता है वो गलत करते हो, लेकिन दे हैव सेट एन एग्जाम्पल कि हम नॉन प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं जस्ट टू माइट बी हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद अपर मैनेजमेंट। मकसद ये है कि उनके इस काम का असर नीचे जो एक नए लोग आते हैं, जो एक नई जनरेशन जो आती है, जो न्यूबीज आते हैं, उनके ऊपर असर पड़ता है। सेम एज इन लाइफ, हम जो काम कर रहे हैं हम एक कल्चर बिल्ड कर रहे हैं अपनी नई जनरेशन के लिए। आप उसको मटेरियलिज्म अगर आपने अपने अंदर पैदा किया हुआ है तो आप ये उसके बाद ये सोचेंगे यार नहीं मेरे अंदर मटेरियलिज्म है, मेरी नेक्स्ट जनरेशन में नहीं होगा, आपसे ज़्यादा होगा क्योंकि आप एक कल्चर उनको देके जा रहे हैं। तो हमें अपने अमाल के अंदर ये इससे सिर्फ सेटिसाइड करना है कि मैं सिर्फ इस मेरे अमाल का असर सिर्फ मेरी ज़िंदगी पे पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपसे बहुत लोग मुंसलिक हैं, नई जनरेशन तो डेफिनेट बात है कि वो आपसे सीखेगी। तो अगर हम सिर्फ यही करना शुरू कर दें कि यार वी हैव द पावर टू चेंज द माइंड सेट ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, तो हमारे अपने अमाल बड़े बेहतर हो जाएंगे।